तैयार हो जाइए एक्शन पैक दिन के लिए, जहां हफ्ते की एक्सपायरी का दिन और दुनिया भर के बाजारों से थोड़ी कमजोरी, थोड़ी सुस्ती के संकेत गैप से नीचे खुलने के आसार एसजेक निफ्टी के मुताबिक। लेकिन क्या हम इतना नीचे खुलेंगे, और खुलेंगे तो क्या और फिसलेंगे या रिकवर करेंगे, लेंगे इस सवाल का जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। वीकली एक्सपायरी का दिन है, वहां पर नजर रहेगी, ढेर सारे ग्लोबल क्यूज भी आ रहे हैं जो बाजार के सेंटिमेंट को इम्पैक्ट करेंगे। तो बताएं सर, आज के लिए ट्रिगर्स क्या हैं? दीप, ट्रिगर्स सबसे पहले ग्लोबल मार्केट से अगर आप लें तो डाउ में 100 अंकों की कमजोरी रही है, जहां हम उम्मीद कर रहे थे कि 100 अंक ऊपर बंद होंगे, उसके मुकाबले में 100 अंक नीचे, यानी कि लगभग उम्मीद से 200 अंकों की कमजोरी रही है डाउ में कल 3:30 बजे से अभी तक का मूड माहौल आप चेक करें। लेकिन नैस्डेक में तेज गिरावट देखने को मिली है, लगभग 250 अंकों का बड़ा फॉल नैस्डेक में आता हुआ दिखा। लेकिन आज अहम बैठक है USFDA की वैक्सीन कमेटी की, वो डिसाइड करेगी कि फाइजर की इस वैक्सीन को मंजूरी दी जाए या नहीं, और अगर मंजूरी मिलती जिसकी की संभावना है तो फिर ये पूरे विश्व के हाथों में वैक्सीन आती हुई नजर आएगी। 26 दिनों से FIIs लगातार खरीदारी कर रहे हैं और आंकड़ा अब 80,000 करोड़ के पार निकलता हुआ। ऑफर फॉर सेल की भरमार है, आज रिटेल के लिए ICICI सिक्योरिटीज का ऑफर फॉर सेल खुला है, इस पर भी आज आपकी नजरें रहनी चाहिए। जी दीप, बिल्कुल अनिल जी, तो ढेर सारे क्यूज हैं सर। ग्लोबल एक्शन से ही थोड़ी शुरुआत करते हैं सर। कल थोड़ी सुस्ती देखी, हालांकि रिकॉर्ड ऊंचाई पर अमेरिकी बाजार फिर से खुले थे, पर वहां से थोड़ी गिरावट आई। आज SGX निफ्टी भी 60-70 अंक नीचे है, तो क्या आज सिंगापुर के इन्वेस्टर्स की सोच ठीक है, जिस तरह से थोड़ा गिरावट के संकेत आ रहे हैं, किस तरह से देखेंगे इस एक्शन को सर? दीप देखिए, अगर आप ये सवाल सुबह 7 बजे पूछते तो मैं कहता था कि सोच बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि जिस तरह से सुबह 7 बजे का माहौल था वो लगभग 90-100 पॉइंट नीचे का हाल SGX पर दिखा रहा था, और वो लग रहा था वो ज्यादा है। हालांकि भारतीय बाजारों का मोमेंटम स्ट्रांग है, और जितना नीचे खुले उतना बेहतर, आपके लिए तुरंत खरीदारी के मौके भी बनेंगे और शॉर्ट कवरिंग के भी। तो मेरा ये समझना है कि आपको कमजोरी जो गिननी है वो 13,500 से गिननी है, और मुझे लगता है कि अगर 13,500 के आसपास 13,475 की रेंज में खुलते हैं तो वो बुरा नहीं है। वहां पर खुलने के बाद देखेंगे कि 13,500 को होल्ड कर पाते हैं, यानी कश्मकश रहेगी दोनों तरफ की। लेकिन हाँ, लगातार 8 दिनों तक आपने क्लोजिंग बेसिस पर हाई बनाए, लगातार 5 दिनों से आप इंट्राडे हाई बना रहे हैं, तो हल्का करेक्शन बाजार में आना लाजमी है, वो किसी भी वजह से आए। और इस करेक्शन में आपको कहीं डरने घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको, अगर आप स्टॉक्स में हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके रिस्क लेने की क्षमता कितनी है और आपका स्टॉप लॉस क्या है। निफ्टी में है तो मैं लेवल्स आपको बता ही रहा हूं कि कहां पर आपको स्टॉप लॉस रखने हैं, तो उतार चढ़ाव से घबराएं ना। लेकिन हाँ, जितना गैप से नीचे खुले अहम लेवल्स के आसपास आए, सपोर्ट लेवल के आसपास आए, वहां खरीदे। देखिए, हर रोज बाजार आपको एक मौका दे रहा है, एक्सेप्ट कल। कल मौका नहीं दिया दिन के दौरान गिरावट का, लेकिन उसके अलावा दीप अगर आप देखें तो हर रोज बाजार आपको दिन के दौरान एक गिरावट का मौका देता है, सही लेवल पर एंट्री करने का मौका देता है। उस लेवल पर अगर आप एंट्री करके वापस दिन के दौरान इंतजार करेंगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट बनेगा। तो जो कल की आपकी शिकायत थी कि इंडेक्स में पैसा नहीं बन रहा है, बड़ा मुश्किल हो रहा है, छोटी सी रेंज है, दीप उस शिकायत का जवाब आज मिलना चाहिए कि आज आपको अगर गैप से नीचे खुलता हुआ दिखे बाजार और इंडेक्स एक मौका दे तो वहां पर खरीदारी करें। एक्सपायरी का दिन है, कुछ हद तक ओवरबॉट भी है बाजार, भले हम उसे कहना और सुनना पसंद ना करें, लेकिन जो फैक्ट है वो है, थोड़े ओवरबॉट तो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, जिस तरह की तेजी बन रही है उस लिहाज से थोड़ा हल्का हो जाएंगे। तो देखिए, अगर आपको जितना हल्का है उतना ऊपर जाने में आसानी है, जितना भारी है उतना नीचे जाने के चांस बनते हैं, तो थोड़े हल्के होने के बाद बाजार फिर से रिकवर कर सकते हैं। तो मेरा ये समझना है कि इतना नीचे न खुलें, शायद हम 13,500-13,475 की रेंज में ही खुलें, इससे ज्यादा नीचे खुलने के संकेत मुझे नहीं दिखते। जी दीप, बिल्कुल, तो थोड़ा नीचे खुलेंगे, बट जैसे अनिल जी कह रहे हैं कि अच्छा मौका होगा और आपको एक डिप मिलेगी, तो दोनों तरफ के ट्रेड्स आपको मिल सकते हैं, एक्सपायरी के लिहाज से एक्शन भरपूर रहेगा। अच्छा सर, आज के एक्शन और लेवल्स की बात करेंगे, उससे पहले एक जो ट्रेंड है इस लिक्विडिटी का फायदा उठाने के लिए जो हम लगातार देख रहे हैं, कंपनीज फिर से एक अग्रेसिव फंड रेजिंग कर रही हैं, या फिर जो भी रेगुलेटरी कंप्लायंस है उसकी वजह से स्टेक की बिकवाली कर रही हैं। 3 ऑनगोइंग OFS तो आज ही आपको दिखेंगी सर, इसके अलावा सरकार की तरफ से विनिवेश बढ़ गया है, IPOs इस महीने काफी सारी और IPOs आ सकती हैं, एक लिस्टिंग का भी इंतजार है, तो कैसे देखें सर ये लिक्विडिटी का जो रश है और उसका फायदा उठाते हुए देख रहे हैं कंपनीज, प्रमोटर, सरकार? इस
इससे बढ़िया टाइम हो ही नहीं सकता इक्विटी मार्केट में जिसको पैसा चाहिए लेने के लिए, इससे बढ़िया टाइम हो नहीं सकता डीप डेट मार्केट में जिसको पैसा चाहिए लेने के लिए। डेट मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स लोएस्ट लेवल पर है, या पिछले 2-3 साल से कई सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां कैपेसिटी बढ़ी नहीं है, उसके बाद इक्विटी मार्केट में लेवल्स हाईएस्ट लेवल पर हैं लाइफ टाइम पे। अगर आपको पैसा रेज करना है तो अब आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, चाहे डेट रेज करना हो चाहे इक्विटी रेज करना हो। मुझे लगता है कि यह लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज है उन कॉर्पोरेट्स के लिए जिन्हें लगता है कि हमारा बिजनेस आउटलुक आगे बहुत बेहतर है, या जिन्हें किन्हीं रेगुलेटरी कारणों की वजह से अपनी स्टेक कम करनी, ज्यादातर कंपनियों को 75% के नीचे लानी होती है, उस वजह से भी ऑफर फॉर सेल आ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत ही बेहतर। देखिए बाकी तो क्या है, देखिए लालच का कोई अंत है नहीं। आप ये भी सोच सकते हैं मैं 1 लाख के सेंसेक्स पर ही अपनी स्टेक डाइल्यूट करूंगा, या मैं अगर मैं निफ्टी 20,000-25,000 हो जाएगा तब मैं अपनी स्टेक बेचूंगा, उसका तो कोई अंत नहीं है। लेकिन आपको पता है अगर आपको रेगुलेटरी जरूरत है और आपको सेबी के नियमों के मुताबिक अपनी स्टेक 75% लानी है, इससे बढ़िया मौका नहीं। अगर आपको लगता है कि एक्सपांशन प्लान करना है और 2-3 साल से आपकी इंडस्ट्री में कोई कैपेसिटी नहीं आई, या अगर आपकी खुद की कंपनी के लिए आउटलुक बहुत बेहतर है, अगले 3-5 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी दिख रही है, तो यह सबसे बढ़िया समय है। डेट और इक्विटी दोनों आपको बहुत सही दामों पर मिल रहे हैं। डेट आप इक्विटी आपको रेज करनी होती है, जितना महंगा इक्विटी बेचेंगे उतना प्रमोटर्स के लिए कंपनी के लिए अच्छा, जितना सस्ता डेट खरीदेंगे जितना सस्ता डेट पर पैसा रेज करेंगे उतना आपके लिए अच्छा। तो गोल्डन टाइम है उन तमाम इंडस्ट्रीज के लिए, उन तमाम सेक्टर्स के लिए जहां पिछले 3-4 सालों में कोई कैपेसिटी एडिशन नहीं हुआ है, डिमांड फिर से लौटती हुई दिख रही है। दूसरी बात, कई सारे कमजोर प्लेयर्स बाहर हो चुके हैं सिस्टम से, वो एनपीएस की वजह से, ओवर लीवरेजिंग की वजह से, और वो निकल चुके हैं, वो बड़े ग्रुप में जा रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ ये ड्रीम टाइम है, ड्रीम टाइम है। और अगर सरकार भी एक के बाद एक ऑफर फॉर सेल ला रही है तो इस वक्त उनके लिहाज से बहुत अच्छा है। अब इसमें आपको क्या देखना है, ये तो उनका पर्सपेक्टिव हुआ जो पैसा रेज कर रहे हैं कॉर्पोरेट्स या सरकार। आप इन्वेस्टर हैं, आपके लिए क्या, आपके लिए ये देखना जरूरी है कि पहली चीज, अगर आप किसी ऑफर फॉर सेल में या फिर इस तरह के इक्विटी ऑफर में आप पैसा लगा रहे हैं, तो पहली चीज तो ये बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आपका व्यू 3 या 5 साल का होना चाहिए, न कि 3 या 6 महीने का। एक तुरंत फुरंत आप ट्रेड करना चाहते हैं स्टॉप लॉस के साथ, वो एक अलग चीज हो सकती है। लेकिन जिस लेवल पर जो कंपनियां पैसे जुटा रही है, वो पैसे जुटाने के बाद उस पैसे को प्रोजेक्ट में लगाएगी, प्रोजेक्ट बनेगा, खड़ा होगा, तैयार होगा, रेवेन्यू आएगा, प्रॉफिट आएगा, ये एक प्रोसेस है, वक्त लगता है। तो अगर आप ऑफर फॉर सेल में पैसा लगा रहे हैं तो आपका व्यू क्लियर होना चाहिए कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहा हूं, ताकि बाजार की वॉलेटिलिटी जब भी आए, और आएगी, ये मत मान के चलिए कि बाजार किसी दिन गिरेगा नहीं, हमें इन्फॉर्मेशन देकर नोटिस देकर नहीं गिरेगा कि ये 3 दिन का 5 दिन का 7 दिन का नोटिस है, अब मैं गिरने वाला हूं, इस दिन से आप तैयार हो जाएं। उसकी कोई एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट नहीं होती, वो जब आता है तभी आता है, और वो किसी को पता नहीं कि किस दिन से ऐसा होगा। इसलिए आप ये मानकर चले कि जिस दिन आप फुली लोडेड है, मतलब आपके पोर्टफोलियो में कैश नहीं बचा है, उस दिन के बाद कभी भी करेक्शन आने के चांस बनते हुए पूरे पूरे नजर आएंगे। जब तक आपके पास कैश है तब तक शायद करेक्शन ना आए, आमतौर पर करेक्शन आता ही तब जबकि आपका लास्ट चेक लग जाता है इन्वेस्टमेंट के तौर पर, उसके बाद करेक्शन आता है। तो जब आप इन ऑफर फॉर सेल में पैसा लगा रहे हैं तो एक तरफ देखिए जो पैसा लेने वाला है वो बड़ा समझदार है, एक्सपीरियंस्ड है, बिजनेस को भी जानता है, मार्केट को भी जानता है। दूसरी तरफ आप हैं इन्वेस्टर हैं जो रिटेल है, उतनी समझ नहीं रखते हैं, कम रखते हैं। तो अगर आप ऑफर फॉर सेल में पैसा लगा रहे हैं तो डेफिनेटली ये सोचकर लगाइए कि मैं 3-5 साल के लिए लगा रहा हूं, और अगर मेरे भाव से 10-15-20% नीचे स्टॉक आ जाए तो मैं ये नहीं समझूंगा कि मैंने गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया, मैं ये समझूंगा कि मार्केट के करेक्शन के साथ कभी भी नीचे आ सकता है, वो प्रोसेस रखें तो बहुत बढ़िया। और दीप, मैं तो एक ही चीज समझता हूं, मसलन जीएमआर इंफ्रा टाइप के शेयर हैं, एक जमाना था 2008 के आसपास का जब 250-250 रुपए में QIP होते थे और लाइन लगाकर फंड्स खरीदारी करने के लिए खड़े रहते, कई कई गुना QIP बढ़ता था, ऐसा लगता था कि हिंदुस्तान में जो कुछ भी बनेगा ये 2-4 कंपनियां ही बनाएगी। आज जमाना ऐसा है कि 25 रुपए में स्टॉक लेने के लिए तैयार नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नॉट डायरेक्टली कोरिलेटेड टू जीएमआर, बट ये एक लेसन है कॉर्पोरेट इंडिया के लिए कि जब पैसा मिल रहा है लोग सामने से आकर दे रहे हैं। इतने डॉलर तो जिंदगी में हमने कभी नहीं देखे, मैंने मेरे 50 साल की उम्र में ऐसे डॉलर्स आते नहीं देखे, आई एम श्योर बहुत सारे ज्यादातर लोगों ने कभी ऐसा देखा नहीं, क्योंकि ये तो लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ है। तो ऐसे ऐसे इस तरह के मूव्स का फायदा उठाएं, और जो कॉर्पोरेट्स को पैसे चाहिए वो लेने का ड्रीम टाइम है, ले लो, लूट लो, जितने डॉलर्स आ रहे हैं भर लो, और उसके बाद फोकस बिजनेस पे करो, रिजल्ट दो, फिर मार्केट आपको देखिए कितना रिवॉर्ड करता है।
बिल्कुल, तो पैसे आ रहे हैं, फायदा उठाइए, बट एज अ निवेशक, एज एन इन्वेस्टर, आपको ध्यान रखना है कि आप किस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इन मौके का जरूर आप फायदा उठा सकते हैं क्वालिटी कंपनीज के लिए। चलिए सर, फिर आज के एक्शन की शुरुआत करते हैं। बताएं आज के संकेत क्या बोल रहे हैं? देखिए, आज के संकेतों का जहां तक सवाल है, ग्लोबल संकेत मैंने न्यूट्रल साइड पर रखे, ना नेगेटिव तो है ही नहीं और पॉजिटिव भी ठीक है, कोई ऐसा खास दिक्कत वाली बात नहीं है। न्यूट्रल से थोड़ा पॉजिटिव मान सकते हैं, एफआईज पॉजिटिव है, डीआईज नेगेटिव है, एफएनओ के संकेत थोड़े से कोशिश हैं, खराब तो नहीं है, हल्की सी सावधानी वाले हैं, और उसकी वजह यह कि पुट कॉल रेशियो आपका तेजी से बढ़कर आया, आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। सेंटिमेंट और ट्रेंड दोनों ही पॉजिटिव है। अगर आपका डाउ और साथ ही रात को एसजेएक्स निफ्टी देखकर आपका सेंटिमेंट नेगेटिव हुआ है, तो मैं आपको कह रहा हूं कि सेंटिमेंट को नेगेटिव मत रखिए, पॉजिटिव ही रखिए, कोई चिंता करने की बात है नहीं अभी तक। आइए आपको रेंज दे दूं, 13,400 13,450 ये आज बाजार के लिए पहला सपोर्ट जोन है, और आई एम श्योर कि इसी लेवल पर बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। 13,300 13,350 मजबूत सपोर्ट जोन है, जहां पर अगर एक्सपायरी की वजह से बाजार आ जाए गलती से तो डेफिनेटली खरीदिए। 13,525 13,550 हल्की रुकावट का जोन है, जो कल का हाई है, उसको पार किया तो 13,600 13,650 तक जाने की ताकत निफ्टी की नजर आती है। बैंक निफ्टी 30,275 30,375 दिन के लिए तुरंत सपोर्ट जोन के तौर पर काम करेगा, अगर 30,500 तोड़ा तो। एक चीज ध्यान रख लीजिए, बैंक निफ्टी के लिए निर्णायक लेवल 30,500 है, यानी कि यहां से 200 पॉइंट अगर आप कमजोर हो जाएं बैंक निफ्टी पर, तो बिल्कुल सोचेगा मत कि आप कमजोर हैं, आपको कमजोरी 30,500 के नीचे से ही गिनना शुरू करना है। पहली चीज ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए, निफ्टी अगर 30 पॉइंट कमजोर हो जाए तो सोचेगा भी मत कि आप कमजोर है, 30,500 के नीचे से ही आपको गिनना है कि एक पॉइंट कमजोर है। तो आपके लिए निर्णायक लेवल 30,500 और 13,500, ये दो लेवल हो गए आपके लिए। निफ्टी पर 13,500 के नीचे से आप कमजोरी गिनेंगे, ऊपर के 30 पॉइंट छोड़ दीजिए, बैंक निफ्टी पर ऊपर के 200 पॉइंट छोड़ दीजिए, 30,500 से ही आप कमजोरी का लेवल गिनेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये बैंक निफ्टी का लेवल है 30,275 30,375, वैसे तो इसके नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है, फिर भी एक्सपायरी के दिन को देखते हुए हमेशा आपके पास रेंज रहनी चाहिए, अगर दिन में काम आ जाए तो, नहीं आए तो बहुत बढ़िया बात है। और वो नीचे का स्ट्रॉन्ग बाय जोन जो है वो 29,950 से लेकर 30,050, ये ब्लाइंड बाय जोन है, जहां पर अगर गलती से मिले तो खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर 30,825 30,950 बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज है, 31,000 को पार करके टिके तो 31,175 31,300 फाइनल टारगेट है, वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए, तेजी की पोजीशन में एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो एक बार शॉर्ट करने का मौका भी वहां पर देख सकते हैं। ये आपके लिए सारे बड़े लेवल्स दीप आज के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ बड़े लेवल्स जहां पर नजर रखनी है। दिन के लिहाज से क्या रेंज होगी सर? दिन के लिहाज से दीप 13,450 13,550 ये 100 पॉइंट की रेंज आपके लिए, बेसिकली क्या कह सकते हैं इसको, इसी रेंज में आपको ट्रेड करना है। इस रेंज के किसी एक तरफ बाहर निकलेंगे तो आप मीडियम रेंज में आएंगे, तब 50-50 पॉइंट और दोनों तरफ जोड़ लीजिए, 13,400 13,600। लगता नहीं कि इस रेंज को पार करने की तैयारी में है बाजार, फिर भी क्योंकि मोमेंटम स्ट्रांग है और आखिरी मिनटों में शॉर्ट कवरिंग फ्रेश खरीदारी आ जाए तो 13,650 तक जाने की ताकत निफ्टी की बन सकती है, नीचे 13,350 ये बड़ी रेंज का लेवल बनेगा, तो 13,650 के आसपास वहां तक जाता हुआ नजर आ सकता है। बैंक निफ्टी 30,375 30,825 ये दिन की छोटी रेंज, 30,275 30,950 दिन की मीडियम रेंज, ज्यादा संभावना है कि इसी रेंज में आप काम कर लें, लेकिन अगर हाई रेंज आप हैंडी रखना चाहें तो 30,050 31,175 ये आपके हाथ में होनी चाहिए। एफआईएस की नेट लॉन्ग पोजीशन, इन नेट लॉन्ग नहीं, इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 2% बढ़ी है, 75 से 77%, उनका भरोसा बरकरार है बाजार में, आपका भी रहना चाहिए। पुट कॉल रेशियो 1.60 से 1.73 पर आया है, थोड़ा ओवर बॉट है, अलार्मिंग तो नहीं लेकिन ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा सावधान रहना, लेकिन चूंकि आप नीचे गैप से खुल रहे हैं तो थोड़ा हल्का हो ही जाएगा, तो फिर ज्यादा चिंता की बात नहीं। अगर आज गैप से ऊपर खुल रहे होते हैं तो मैं आपको जरूर कहता कि प्रॉफिट बुक करके फिर नीचे इंतजार कीजिए, लेकिन चूंकि गैप से खुल रहे तो पुट कॉल रेशियो में थोड़ी पोजिशन जो हल्की होगी आप कंफर्टेबल हो ही जाएंगे। विक्स थोड़ा सा बढ़ा है 2%, कोई चिंता की बात नहीं। जी दीप। ओके, तो विक्स थोड़ा सा बड़ा है, कोई चिंता की बात नहीं है, थोड़े संकेत ओवरबॉट जरूर दिख रहे हैं बट डिप्स पर खरीदारी के मौके मिलेंगे। तो फिर पोजीशंस के बारे में बताएं सर, एग्जिस्टिंग पोजीशंस इनकी हैं, क्या करना चाहिए आज?
थोड़ा सा दूर स्टॉप लॉस लूंगा, नॉर्मल डे होता तो मैं आपको इतना दूर नहीं देता दीप, लेकिन एक्सपायरी के लिहाज से रेंज और लेवल थोड़े से आज मैं बड़े दे रहा हूँ, वो ध्यान रखिए। दिन के हिसाब से आपको देना होता है। देखिए आपको लग भी सकता है कि इतने बड़े बड़े क्यों, लेकिन क्या है कि एक्सपायरी के दिन के लिए आप अलग स्ट्रेटजी रखते हैं, वोलेटिलिटी की आशंका रहती है, कई बार हो कई बार ना भी हो, कोई जरूरी नहीं कि हो ही, लेकिन फिर भी आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। और स्टॉप लॉस उस लिहाज से 13,375 है आपके लिए निफ्टी पर, एक ही इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी, 30,250 इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी, बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस सिंपल। आज एक एक स्टॉप लॉस ही इंट्राडे और क्लोजिंग का। शॉर्ट पोजिशन होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन जितनी लॉन्ग पोजिशन उतनी शॉर्ट भी है ही, इसमें कोई डाउट नहीं, किसी ने खरीदा तो किसी ने तो बेचा ही है, तो ऐसे में शॉर्ट पोजिशन पर आपका स्टॉप लॉस 13,600 अब होना चाहिए और 31,000 अब आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ऊपरी तरफ शॉर्ट पोजिशन पर। ये आपके लिए लेवल्स हो गए पोजिशन के लिहाज से। जी दीप, ओके, तो ये है आपके लिए एग्जिस्टिंग पोजीशंस, क्या आपको लेवल्स ध्यान में रखने हैं। नई पोजीशंस क्या सलाह दे रहे हैं सर? निफ्टी खरीदिए आप 13,400-13,450 की रेंज में, ये एक अच्छी रेंज है जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए और स्टॉप लॉस रखना चाहिए 13,300 का। आई डोंट नो 13,400-13,450 की रेंज में मिलेगा, सुबह 7 बजे तो देखकर तो ऐसा लग रहा था मिलेगा, अब लग नहीं रहा कि मिलेगा, लेकिन अगर मिले तो खरीदिए जरूर उस रेंज में इंट्राडे ट्रेडर्स के लिहाज से। 13,300 का स्टॉप लॉस 13,500-13,525-13,550, ये छोटा कंजेशन जोन है 13,500-13,550 का, इसके पार 13,600-13,650 के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं वो 13,600-13,650 की रेंज में एक चांस ले सकते हैं शॉर्ट करने का। आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 13,700 का, नीचे की तरफ 13,550-13,525-13,500 बहुत हो गया, तो 13,450 तक के टारगेट के लिए आपको करनी है बिकवाली भी। जो लोग खरीदना चाहते हैं दीप, आज मैंने इंटरेस्टिंग चीज दी है, देखिए बैंक निफ्टी में खरीदारी करने के लिए आज से आमतौर पर मैं पहले एक रेंज देता हूं और बताता हूं कि यहां पे खरीदिए आज, और फिर उसके बाद कभी कभी मैं कहता हूं कि एग्रेसिव ट्रेडर इसी रेंज में खरीद सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको उल्टा दे रहा हूं, पहले वो रेंज दे रहा हूं जहां पर एग्रेसिव ट्रेडर्स को खरीदना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि देखो जब एग्रेशन दिखाने का वक्त है दिखाइए, जब एग्रेशन नहीं दिखाने का वक्त है शांति से बैठिए, ये एग्रेशन दिखाने का वक्त है और एग्रेसिव ट्रेडर्स को 30,275-30,375 में खरीदना चाहिए। देखिए 0.5% आपका निफ्टी नीचे, फर्ज करें 0.5% निफ्टी नीचे खुलता है तो बैंक निफ्टी 0.25% नीचे खुल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि बैंक निफ्टी हाई बिठा है। 1% का मतलब हुआ 30,700 पर आपके लिए करीबन 370 पॉइंट, राइट 300 पॉइंट, लगभग 300 पॉइंट का मतलब हुआ आपका 30,400 के आसपास जो हमारा लेवल निकल कर आ रहा है रेंज का 30,375। इसीलिए 30,275-30,375 ये मैंने गिन के आपको लेवल दिया, इस रेंज में आप खरीदिए और 30,200 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। टारगेट 30,450-625-700-800-950, ये सारे टारगेट होंगे आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर आप खरीदारी करते हैं। और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर नहीं है तो 29,950-30,050 का इंतजार कीजिए, उस रेंज में आए तब खरीदिए, नहीं आया तो आपका क्या ले गया, फिर आराम से शांति से बैठिए। आप किस तरह की रिस्क लेने वाले ट्रेडर हैं वो आपको पता होना चाहिए। 99% चांस ये कि ये रेंज आएगी नहीं, लेकिन क्या है एक्सपायरी के दिन आपको पता होना चाहिए कि अगर एंट्री करने का मौका कहाँ मिले तो छोड़ना नहीं है, तो वो रेंज बहुत दूर की है। और दूर की इसलिए भी है कि देखिए 2-3 दिनों में भी बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करने के बाद कल जिस तरह से भागा है, अब 500 पॉइंट के मूव बैंक निफ्टी के लिए छोटे हो गए, तो 500 पॉइंट का मूव छोटा है, आप 30,700 पर है तो 600-700 पॉइंट की रेंज आपके लिए वो एक परफेक्ट बाय जोन बनती है जिस पर आपको नजर रखनी है। 29,900 का आपका स्टॉप लॉस होगा, 30,200-30,275-350-450 ये होंगे वो टारगेट अगर आपको नीचे के लेवल पर एंट्री करनी है, और ऊपर के लेवल पर अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो टारगेट आपके 30,950 और उसके पार भी निकलते हुए नजर आएंगे। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं बैंक निफ्टी वो जरूर करें, 30,950 से लेकर 31,200 की रेंज परफेक्ट है शॉर्ट करने के लिए। 30,950 पे करें, 31,050 पे करें, 31,175 पर करें, टुकड़ों टुकड़ों में करें अगर आप मल्टीपल लोट्स करते हैं तो, और सिंगल लोट करते हैं तो फिर आपको अपने लेवल्स का इंतजार करके जितना ऊपर बेच पाए उतना बढ़िया। 31,300 आपका स्टॉप लॉस है और टारगेट नीचे की तरफ बनेंगे 30,825-725-650-525-375 अगर आया तो, बाकी मेरे ख्याल से 525 तक के टारगेट ही काफी है आपके लिए शॉर्ट साइड पर। जी दीप,
ओके, तो काफी सारे अहम लेवल्स हैं आपके लिए, और बैंक निफ्टी में दो तरह की आप बाय पोजीशंस बना सकते हैं। अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए भी मौका होगा, और रेगुलर जो उतार चढ़ाव दिन का होगा उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। सेक्टर्स किधर नजर रहेगी सर आपकी? देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी एक्शन रहेगा और वहां पर खरीदारी करने का मौका अब भी है। बाजार सीमित दायरे में रह सकते हैं, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन भरपूर रहेगा, तो वहां पर कोई एक दिन की हल्की करेक्शन से कोई फर्क पड़ना नहीं है, वो चिंता मत कीजिए, वो करते रहिए। पहली चीज, नेगेटिव में दो सेक्टर थोड़े से मुझे ढीले दिख रहे हैं। एक तो सीमेंट, जो खबरें आई हैं सीमेंट के कार्टेलाइजेशन के अगेंस्ट में, सीसीआई ने कंप्लेन की और एंटी ट्रस्ट बॉडी ने जाकर चार बड़ी दिग्गज सीमेंट कंपनियों पर छापेमारी की है, एसीसी, अंबुजा, श्री सीमेंट और अल्ट्राटेक। ये खबर रॉयटर्स के हवाले से जो आई है, उसको देखते हुए सीमेंट शेयरों में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, और वैसे भी सीमेंट शेयर जिन लेवल्स पर आ गए ये ठीक है, यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है, थोड़ी शॉर्ट होना लाजमी है ये। और सरकारी बैंक कल थोड़े से ऊपरी स्तरों पर सरकारी बैंकों में प्रॉफिट बुकिंग के संकेत आए। देखिए, ये बाई नेचर सरकारी बैंक कमजोर है, ठीक है, वैल्यूशन प्ले है और ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तेजी में, उस लिहाज से थोड़ा सा आपको एक्शन दिखाए तो आज सरकारी बैंकों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। और बाकी तो आपको पता ही है, सीमेंट दोनों ये शॉर्ट साइड पर, बाकी कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। जी जी ओके, तो ब्रॉडर मार्केट की तेजी बरकरार है, कोई चिंता की बात नहीं है, पर पीएसयू बैंक सीमेंट यहां पर आप दबाव आते हुए देख सकते हैं। और पीएसयू बैंक की बात करी तो वायदा कारोबार के बैन का अपडेट भी मैं आपको दे दूं। कैनरा बैंक जो पिछले कुछ दिनों से बैन में था, अब वो बैन से बाहर है, पर एंट्री हो गई है पंजाब नेशनल बैंक की, इस पर नजर रखिए। थोड़ी देर में एक डबल बोनांजा आने की तैयारी में है आज स्टॉक ऑफ द डे के लिए, तो उसका इंतजार है सर। पर उससे पहले एक बार जरा डेटा समझा दें, जिस तरह से एफआईएस का एक्शन हुआ है स्पेशली फ्यूचर्स में, और साथ ही वायदा कारोबार के संकेत जो आपने आज कॉशियस रखे हैं, क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, एफआईएस की तरफ से तो कोई दिक्कत है ही नहीं दीप, 3,500 करोड़ की फिर से खरीदारी का आंकड़ा, और 600 करोड़ के इंडेक्स भी खरीदे, और आपने देखा इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 2% बढ़कर आई है, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एफआईएस दम लगाकर खरीद रहे हैं, इससे ज्यादा आप मांग भी नहीं सकते, मतलब इतना तो भगवान भी नहीं दे सकता जितना एफआईएस आपको डॉलर दे रहे हैं, तो उनकी तरफ से तो ठीक है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि अपने नहीं तो फिर क्या, अपने घरेलू फंड बेचे जा रहे हैं, 2500 करोड़ का कल भी बेचा है, ठीक है, उन पे भी भरोसा रखो, कभी मुसीबत के दिन यही काम आएंगे। जब किसी दिन बाजार का मूड बदला और करेक्शन आया और एफआईएस जोर से बेचने आए तो खरीदने के लिए भी यही आएंगे, तो सब पे हमारे तो सब काम के हैं, जो बेचे वो भी काम का, जो खरीदे वो भी काम का, जो खरीदे वो काम का है तेजी में और जो बेचे वो काम का है मंदी में, ताकि वापस से वो ले। 600 करोड़ का इंडेक्स भी खरीदा है, बढ़िया चीज है, और 600 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हैं, हल्की सी तेजी की पोजीशन कम की, तो डेटा में कोई बदलाव नहीं, बेहद शानदार डेटा है आपके लिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के। अब आइए आप वायदा कारोबार के डेटा में, पुट कॉल रेशियो 1:73 पर आया है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अलार्मिंग और बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है कि यहीं से यू टर्न मार लेगा, एक्सपायरी का दिन, इसलिए अगर एक्सपायरी का दिन नहीं होता तो जरूर मैं कहता था कि ये ओवरबॉट है, अलर्ट एट हायर लेवल्स, लेकिन मैं सिर्फ ओवरबॉट इतने ही शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, अलर्ट एट हायर लेवल वाला नहीं कर रहा। उसकी दो वजह, एक तो ये कि एक्सपायरी का दिन है, और दूसरा है कि आप ऑलरेडी खुलेंगे नीचे, तो फिर आपका नीचे खुलेंगे, लॉन्ग पोजिशन हल्की हुई, आपका पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल हो जाएगा, तो चिंता की बात नहीं। अब आपके लिए मैं जो बोल रहा था कि क्यों आपको 13,500 से गिनना शुरू करना है कि आप कमजोर हैं, यानी 13,500 मेक और ब्रेक लेवल है। 34 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में, 32 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में, बराबरी का मामला। लेकिन इसमें एक ट्रिक है, और वो ये है दीप कि 13,500 के पुट पर 30 लाख शेयर कल जुड़े हैं पुट में, सारा का सारा एडिशन कल हुआ, ये कमजोर लॉन्ग्स हैं। कमजोर से मतलब ये नहीं कि मतलब कमजोर मतलब ऐसा नहीं कि इनके पास पैसे नहीं है या ये फिजिकली कमजोर, कमजोर लॉन्ग्स वो होते हैं जो हायर लेवल पर तेजी किए जाते हैं। एक तो ये कि कोई आदमी 13,000 से ही लेके बैठा है निफ्टी, ठीक है, तो उसको 100 पॉइंट गिर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी ने 13,500 पे लिया है और उसका 100 पॉइंट गिर जाए, तो दोनों में फर्क है ना, बस वही फर्क है। इसलिए जो हायर लेवल पर लॉन्ग कर रहा है वो कमजोर लॉन्ग है, जो लोअर लेवल से बैठा है वो मजबूत लॉन्ग है। तो 13,500 पे कल जो 30 लाख शेयर है जिन्होंने ये खरीदा है पुट, इनके लिए बहुत जरूरी है कि 13,500 से ज्यादा नीचे ना जाए। अगर 13,500 से ज्यादा नीचे जाना शुरू करता है निफ्टी, तो ये थोड़े बेचैन हो जाएंगे, ये बोले आप क्या करें, गलती तो नहीं कर दी कल एकदम, ऐसा तो नहीं हम ऊपर में चढ़ गए और 8 दिनों से हाई बना रहा था और हमने सोचा कि और ठीक है 9वें भी दिन बनाएगा, ऐसा सोच के ले लिया, अब क्या करें। तो इनमें जो कमजोर ट्रेडर्स होंगे वो अपनी पोजिशन स्टॉप लॉस के तौर पर या वैसे ही हल्की करेंगे, छोड़ देंगे, तो इसलिए 13,500 आपके लिए आज निर्णायक लेवल है, पहली चीज। उसके बाद
13,400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 34 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहां पर भी है, उनमें से 19 लाख शेयर कल ही जुड़े, तो नीचे 13,400 के नीचे की संभावना कम। ऊपर 13,600 पर आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में और वह है 36 लाख शेयरों का। तो 13,400-13,600 बड़ी रेंज, 13,500 बीचों बीच निर्णायक लेवल, ये आपके लिए वायदा कारोबार के डेटा एकदम परफेक्ट निकल कर आए। प्रीमियम 38 पॉइंट के आसपास की कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आइए बैंक निफ्टी, 30,500 से आपको मैं जो बोला था कि उसके नीचे से आपको गिरना कमजोर है, यानी 200 पॉइंट अगर नीचे भी खुल जाए टेंशन ही मत लीजिएगा, आप कमजोर है ही नहीं, आप मान के चलिए। क्यों 30,500 के नीचे? 30,500 के पुट पर 8 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 6 लाख शेयर हैं, ये बराबरी का मामला है लगभग। और यहां से नीचे जाने पर जो पुट राइटर्स हैं वो थोड़े से टेंशन में आएंगे, हल्के से, कोई खास नहीं। लेकिन बड़ा सपोर्ट 30,000 पर है, 10 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वो हो गया आपका नीचे की तरफ। ऊपर 9 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है 31,000 पर, तो बिल्कुल क्लियर कट है 30,000-31,000 हजार पॉइंट की रेंज, बीचों बीच का मामला 30,500 पर, ये आपके लिए। जी दीप, ओके, तो 13,500-30,500 ये कुछ अहम लेवल्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी पड़ेगी आज के ट्रेड के लिए। चलिए डबल बोनांजा अनिल जी की तरफ से आ रहा है बिगुल स्टॉक ऑफ द डे का। अनिल जी, दो बिगुल बजाएं या फिर एक ही में दोनों कॉल्स देंगे? सर बिगुल तो एक ही चलेगा, पहले आप बताओ आपकी पसंद क्या है, पहले कैश का स्टॉक दूं या फ्यूचर का? अनिल जी कैश में ही एक्शन है तो वहीं का स्टॉक पहले होना चाहिए सर। चलो बहुत बढ़िया, तो कैश के स्टॉक्स में कल मेरा मुझे आइडिया आया एक स्टॉक से कि अब क्या एक्शन हो। कल आपने देखा पीवीआर टॉप गेनर था एफएनओ में, राइट? पीवीआर बहुत तेजी से भागा, अच्छी खासी मजबूती 7-8% के आसपास बंद हुआ ऊपर। तो ये जो ये लेजर वाले जो है ना आराम तलब होने के जो साधन है वहां पर अब एक्शन फिर से आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जैसे जैसे अब लाइफ बैक टू नॉर्मल और वैक्सीन आने के बाद हो रही है अब वहां पर फोकस है। तो इसलिए मैंने एक स्टॉक उसी स्पेस से चुना है, मल्टीप्लेक्स नहीं है लेकिन स्पेस उसी थीम वही है, वंडरला हॉलीडेज। आपको पता होगा एक फेमस कंपनी है जिसका नाम आप सब जानते हैं आराम से, वी गार्ड, राइट? वी गार्ड की ही ग्रुप की कंपनी वंडरला हॉलीडेज है, साउथ में इनके थीम पार्क्स हैं दक्षिण भारत में, तो बिजनेस बहुत बढ़िया है। और अब ये थीम पार्क वापस खुल गए हैं, लेकिन मैंने इसको चुना है 2-3 वजह से। पहली चीज तो ये कि दीप वैल्यूशन बहुत ही अट्रैक्टिव है इस कंपनी के, 1,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 1,000 करोड़ की एसेट्स कंपनी के पास है, यानी कि आप देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू 1 के आसपास है, जितना प्राइस चल रहा है उतना ही बुक वैल्यू है शेयर का 200 रुपए के आसपास, इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। और मार्केट कैप भी उतना ही है जितना इनके पास एसेट्स है, आप सोचो जितनी एसेट्स है उतना ही मार्केट कैप है, इससे ज्यादा सस्ता क्या मिलेगा। एक चीज, मैनेजमेंट बढ़िया है, वी गार्ड आपने देखा कंपनी बहुत ही बढ़िया है और वही मैनेजमेंट यहां पर भी है, तो दूसरी चीज ये। तीसरी चीज जो बढ़िया है, आमतौर पर थीम पार्क में जो दिक्कतें आती है वो कर्ज की आती है, ये जीरो डेट कंपनी है, कर्ज नहीं के बराबर है और ये कंपनी को खराब समय में भी मजबूती रखता है। ये सोचिए अगर 8-10 महीने थीम पार्क बंद है और आपको कर्ज चुकाना और इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट देना हो तो हालत क्या हो जाए। तो जीरो डेट कंपनी होने का इसका बड़ा फायदा, इनके लैंड बैंक की जो वैल्यू आज की तारीख में जब इन्होंने खरीदा आज जो है वो तो मैं गिनी नहीं रहा, वो गिनेंगे तो आपको वैल्यू और दिखेगी। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो अच्छा एक्शन दिखा सकता है और यहाँ पर आपके लिए इन्वेस्टमेंट के और ट्रेडिंग के बढ़िया मौके बन सकते हैं। बिजनेस आउटलुक बहुत बढ़िया है, कोरोना के बाद अब शायद लोग विदेशों में ना जाएं लेकिन अपने ही देश में घूमने फिरने के, वीकेंड मनाने के मौके ज्यादा ढूंढे, उनको देखते हुए मुझे लगता है कि वंडरला हॉलीडेज एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आपके लिए हो सकता है और एक अच्छा ट्रेड भी। स्टॉप लॉस लगाइएगा आप 205 पर, ऊपर का टारगेट 225-235 बिल्कुल आज कल के लिए ही, और 250 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि जब भी बाजार खराब हो इस स्टॉक को आप अपनी लिस्ट में अपने डेस्कटॉप पे सामने रखिए, खराब बाजार में निचले स्तरों पर एंटर करें, अगर सब कुछ ठीक रहा मार्केट अच्छा रहा तो इस स्टॉक में दुगुना होने की ताकत है, तो ये डबल भी हो सकता है अगर बाजार साथ दे। तो आपको सही लेवल पर एंट्री करनी है और ट्रेडिंग के लिहाज से करना है तो 225-235-250 के टारगेट रख लीजिए, स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें ज्यादा बढ़िया रहेगा। जी दीप, ओके, तो वंडरला हॉलीडेज अनलॉक की थीम है, खरीदारी करके चलिए कैश स्टॉक्स में, आपको एक बढ़िया आइडिया अनिल जी की तरफ से। दूसरा स्टॉक सर,
दूसरा स्टॉक एक शॉर्ट आइडिया है। देखिए शॉर्ट करने का मजा भी तब है जब बाजार एकदम ऊपर हो और आपके पास स्टॉक ऐसे लेवल पर हो जहां पर आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल बने। ACC ये शॉर्ट करने, और सीमेंट कंपनी में भी जो सबसे कमजोर जो गिरने में मुझे लगता है वो ACC, और जो बढ़ने में सबसे ज्यादा आगे लगता है वो श्री सीमेंट और अल्ट्राटेक। खरीदना है तो अल्ट्राटेक श्री सीमेंट, बेचना है तो अंबुजा ACC। ये बहुत क्लियर रखिए व्यू आप कि जब भी आपके शॉर्ट करने का मन करे सीमेंट कंपनी में तो इन्हें बेचिए अंबुजा ACC को, जब भी खरीदने का मन करे तो आपको डिसाइड करना है श्री सीमेंट या अल्ट्राटेक में। मैं दिग्गजों की बात कर रहा हूं। तो आज जो खबर है कि CCI ने एंटी ट्रस्ट बॉडी को जांच करने के आदेश दिए और उन्होंने छापे भी मारे हैं। रॉयटर्स के हवाले से कल देर शाम ये खबर आई है कि 4 सीमेंट कंपनियों पर छापे मारे हैं उन्होंने कि वे, और वैसे भी आपको पता ही है भाव तो इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं सीमेंट के, अब कार्टेलाइजेशन है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन सरकार एक्शन में है और सरकार चाहती है कि सीमेंट के दाम कम हो। ये बहुत क्लियर कट संकेत है। इस बार क्या है, कोई नोटिस वोटिस नहीं दिया है, कोई ऐसा नहीं बोला है, और जबकि गडकरी साहब खुद भी कह चुके हैं सीमेंट कंपनियों को चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद सीमेंट के दाम जिस तरह से तेजी से बढ़ रहे हैं सरकार का इंटरवेंशन है। और ऐसे में और कुछ हो ना हो, छापेमारी में कुछ मिले ना मिले, कार्टेलाइजेशन मिले ना मिले, एक चीज पक्की है अब दाम नहीं बढ़ेंगे नियर फ्यूचर में, और हो सकता है दबाव में सीमेंट कंपनियों को दाम कम करना पड़े। सिंपल ये दो चीजें हैं जो आपको इन लेवल पर सीमेंट शेयरों में बेचने के लिए कंफर्ट देती है। बेचिए 1680 के स्टॉप लॉस के साथ, 1650 1635 के छोटे टारगेट के बाद इन टारगेट्स को नीचे की तरफ रिवाइज करिए। ओके, तो खरीदारी वंडरला, बिकवाली, ACC फ्यूचर्स, ये है आपके लिए अनिल जी की तरफ से डबल बोनांजा, दो स्टॉक्स ऑफ द डे। आइए बताते हैं और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी है खबरों वाले स्टॉक्स, और साथ ही ब्रोकरेज एक्शन कुशल, वरुण और आशीष के साथ। गुड मॉर्निंग कुशल, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु, और यहाँ पर सबसे पहले की ट्रिगर है USFDA जो है आज बैठक करेगा, जिन भी वैक्सीन ने जो है इमरजेंसी यूज के लिए अप्लाई किया है उसको लेकर आज उस पर चर्चा है। और साथ ही आपको कैनरा बैंक पर भी नजर रखनी होगी क्योंकि QIP के इश्यू प्राइस को लेकर आज बोर्ड बैठक है, तो देखना होगा कि वहां पर क्या प्राइस निकल कर आती है। साथ ही टाटा और मिस्त्री के बीच में जो केस चल रहा है उसको लेकर भी आज फिर से 12 बजे जो है वो हियरिंग जो है कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। साथ ही विप्रो की जो है आज एक्स बायबैक डेट है तो इस पर भी नजर रखिए। इसके अलावा OFS अपडेट्स जो है मेरे पास अलग अलग स्टॉक्स को लेकर वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ICICI सिक्योरिटीज, आप देखिए पहले दिन जो नॉन रिटेल निवेशकों के लिए खुला था ये ऑलमोस्ट 4.5 गुना ये सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। रिटेल निवेशकों के लिए ये OFS आज खुलेगा और इसका जो फ्लोर प्राइस तय किया गया है वो है ₹440 प्रति शेयर। साथ ही IRCTC इन्होंने भी कल एक्सचेंज पर नोटिफाई किया है कि ये करीब 20% हिस्सेदारी जो है सरकार अपना बेचेगी, जिसमें 15% जो है नॉर्मल रूट रहेगा, और अगर ओवर सब्सक्राइब होता है तो अतिरिक्त 5% हिस्सा बेचने का भी इनके पास ऑप्शन है। और यहां पर मौजूदा भाव से अगर आप देखें तो ₹1367 प्रति शेयर पर इन्होंने जो है 16% करीब डिस्काउंट पर OFS का फ्लोर प्राइस तय किया है। साथ ही जो नॉन रिटेल निवेशक हैं उनके लिए तो आज ये OFS खुलेगा, पर कल जो है रिटेल निवेशक जो है इसमें हिस्सा लेते हुए नजर आ सकते हैं। और सरकार की मौजूदा हिस्सेदारी भी मैं आपको बता दूं, इसमें करीब 87.4% जो है सरकार की हिस्सेदारी IRCTC में है। अभी फेडरल मोगल गोइट्जा, इसका भी OFS जो है वो आज नॉन रिटेल निवेशकों के लिए खुलता हुआ नजर आएगा। प्रमोटर IEH जो है OFS के जरिए करीब 21% हिस्सेदारी ये बेचते हुए नजर आएंगे, और जो फ्लोर प्राइस तय किया गया है मौजूदा भाव से करीब 4% डिस्काउंट पर ₹335 प्रति शेयर के भाव पर ये फ्लोर प्राइस तय किया गया है। TCS का बायबैक अपडेट भी आ गया, इनकी डेट्स आ गई है जिसमें 18 दिसंबर को ये बायबैक खुलेगा। आपको याद होगा 16,000 करोड़ का बायबैक TCS ने अनाउंस किया था ₹3,000 प्रति शेयर के भाव पर, और 18 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक जो है TCS का बायबैक खुला रहेगा। मारुति सुजुकी जनवरी महीने से जो है अगले साल से ये सभी मॉडल्स पर अपनी कीमतें जो है बढ़ाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट इनका बढ़ा है वो अब कस्टमर्स को ये पास ऑन करते हुए दिखेंगे। साथ ही कंपनी ने जो है ऑनलाइन कार फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है, और आपको यहां पर इस वजह से नजर रखनी होगी। साथ ही M&M, यहां पर जो इनकी सब्सिडियरी है सैम्पू, उसमें कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, करीब 1050 शेयर इन्होंने सब्सक्राइब किए हैं, और अब उसमें इनकी हिस्सेदारी 75% से बढ़कर करीब 79% हो गई है। M&M पर भी नज़र रखिए, M&M और बॉश खासकर, क्योंकि सेमीकंडक्टर की सप्लाई में कमी के चलते जो है इनके ऑटोमोटिव डिवीजन पर अब असर पड़ सकता है, और Q4 में कंपनी के प्रोडक्शन और सेल्स पर इंपैक्ट आ सकता है, ऐसा M&M ने कल देर रात जो है एक्सचेंज की फाइलिंग में ये बात बताई थी। यहाँ पर साथ ही आपको EverReady इंडस्ट्रीज पर भी नज़र रखनी होगी, क्योंकि Zee Business ने एक्सक्लूसिवली आपको ये बताया था कि कहीं ना कहीं डाबर जो है वो
एवरेडी में इन्वेस्ट कर सकता है। और यहाँ पर उस पर एवरेडी का क्लैरिफिकेशन आया है कि डाबर के प्रमोटर्स की कंपनी में हिस्सा खरीदने की खबर को लेकर उनके पास अब तक कोई जानकारी नहीं है। तो ये एक अपडेट एवरेडी इंडस्ट्रीज पर। बिल्कुल, तो काफ़ी सारी खबरें हैं और एवरेडी की तरफ से एक अपडेट भी आते हुए दिखा है हमारी एक्सक्लूसिव खबर पर। वरुण बताएं, आपके पास कौन से स्टॉक्स हैं? देखिए, सबसे पहले तो एनबीएफसीज को अपने रडार पर रखें, क्योंकि आरबीआई ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन गाइडलाइंस का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। 24 दिसंबर तक इस पे सुझाव मांगे हैं। दरअसल एनबीएफसीज के लिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के नए नियम आरबीआई लाना चाहता है, तो इसके ऊपर सुझाव मांगे हैं। तो सभी एनबीएफसीज कंपनीज जो है आपके रडार पर होनी चाहिए। पावर ग्रिड, यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि इन्विट के जरिए करीब 10,000 करोड़ के विनिवेश की योजना पर विचार किया जा रहा है और सरकार विनिवेश का लक्ष्य हासिल करने के लिए इस तरह का दूसरा ट्रांस जो है वो ला सकती है, इसकी संभावनाएं हैं। मल्टीप्लेक्स कंपनीज पर अपनी फोकस रखिए, क्योंकि इंडस्ट्री को राहत देने के लिए सरकार से मदद की गुहार की गई है। बिजली बिल छूट और टैक्स छूट के जरिए इस पूरे इंडस्ट्री ने सरकार से मदद मांगी है। भारत फोर्ज के ऊपर नजर रखिए, क्योंकि एल्बिट सिस्टम नाम की कंपनी है जो कि इसराइल की कंपनी है। भारत में इन्होंने भारतीय सेना से 1580 आर्टिलरी गन सप्लाई करने के लिए सबसे कम बोली लगाई थी और अब इन्होंने रक्षा मंत्री को एक प्रस्ताव दिया है कि 70% के आसपास की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ये भारत में ही करेंगे और इस कंपनी का भारत में कल्याणी ग्रुप कंपनी भारत फोर्ज के साथ पार्टनरशिप है। तो इसके चलते भारत फोर्ज आपके रडार पर रहना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनीज को अपने रडार पर रखें, क्योंकि नवंबर में लाइफ इंश्योरेंस की जो न्यू बिजनेस प्रीमियम है उसमें 27% की गिरावट आई है। अक्टूबर में यहाँ 32% की बढ़त थी, उसके बाद इस महीने 27% की गिरावट। कोयला कंपनी, पावर कंपनी, स्टील कंपनी पे नजर रखिए, क्योंकि झारखंड और ओडिशा में 4 कोयला खदानों के लिए बोलियां मंगवाई गई है। इन खदानों की वार्षिक क्षमता जो है वो करीब करीब 52 मेट्रिक टन के आसपास है। कुछ बड़ी डील्स है जिसमें स्नोमैन लॉजिस्टिक्स या अडानी लगातार हिस्सा बेच रहे। अडानी लॉजिस्टिक्स ने 8,85,000 शेयर जो है उनको बेचा है। सिकल लॉजिस्टिक्स में येस बैंक ने करीब 3,84,000 शेयर बेचे हैं। सुट्टी का स्टेक लगातार बिक रहा है। एक्सिस बैंक में सुट्टी के अतिरिक्त 92 लाख शेयर जो है उनको बेचा है 7 और 9 दिसंबर के बीच में। एस्ट्रा माइक्रो में प्रमोटर्स की तरफ से 7 दिसंबर को 70,000 शेयर की बिकवाली हुई है और सीक्वेंट साइंटिफिक में भी प्रमोटर्स की तरफ से 7 और 8 दिसंबर को 7,44,000 शेयर की बिकवाली हुई। बिल्कुल, तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि फंड रेजिंग चल रही है, दूसरी तरफ प्रमोटर्स थोड़ी थोड़ी बिकवाली कर रहे हैं स्टॉक्स जो अपने हाईस पर ट्रेड कर रहे हैं उनमें। आइए आपको बता देते हैं आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, आज की रिपोर्ट्स के बारे में बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु, सबसे पहले डीएलएफ सीएलएसई की दमदार रिपोर्ट आती हुई दिखी, खरीदारी किराए को बरकरार रखा और देखिए लक्ष्य में काफी ज्यादा बढ़ोतरी की है। 205 रुपए से लक्ष्य को बढ़ाकर 255 कर दिया है। 213 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। कह रही कि रेजिडेंशियल सेगमेंट में अगर आप देखें तो ग्रोथ बढ़िया देखने को मिल रही है और अगले 2 से 3 साल में कंपनी अच्छे लॉन्चेस करेगी तो वहां से भी कंपनी की आय बढ़ती हुई नजर आएगी। फ्री कैश फ्लोज में बढ़त होगी, यानी कंपनी इसका इस्तेमाल कर्ज घटाने में भी कर सकती है, जिसके चलते स्टॉक पर पॉजिटिव है। वेदांता क्रेडिट स्वीस की रिपोर्ट है जहां पर रेटिंग को डाउनग्रेड किया है क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड इन्हें फेवरेबल नजर नहीं आ रहा है। अब यहां पर जो है न्यूट्रल रेटिंग कर दी गई है बदलकर और जो लक्ष्य है यहां पर बढ़ोतरी की है, 140 से बढ़ाकर 160 कर दिया है क्योंकि मान रहे कि कमोडिटी प्राइसेस में बढ़िया रिबाउंड देखने को मिला है और हो सकता है कि आगे जाकर भी तेजी देखने को मिले। 143 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गोल्डमैन सैक्स की अच्छी रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 367 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे कि असेट क्वालिटी गाइडेंस के मुताबिक देखने को मिल रही है। रिटेल और एसएमई क्रेडिट में एक रिकवरी का माहौल है जिसके चलते स्टॉक पर पॉजिटिव है। 270 की जो है कल की क्लोजिंग है, 367 का इन्होंने लक्ष्य दिया है। गेल, यहां पर जेपी मॉर्गन की बढ़िया रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 143 के लक्ष्य के लिए, 123 के आसपास की क्लोजिंग है। इन्होंने ईपीएस के अनुमान में करीब 3% की बढ़ोतरी की है। फिलहाल के लिए आखिरी रिपोर्ट है भारतीय इंफ्राटेक पर, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है जहां पर अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और काफी नीचे का लक्ष्य दिया है, 246 की कल की क्लोजिंग है। इन्होंने लक्ष्य दिया 190 रुपए का क्योंकि कह रहे कि मध्यम अवधि में अगर आप देखें तो कहीं तेजी के ट्रिगर नजर नहीं आ रहे जिसके चलते स्टॉक पर बेरिश है। तो ये है वो तमाम रिपोर्ट जहां पर आज रहेगा एक्शन और एक्शन रहेगा उन तमाम रिपोर्ट पर जो लेकर आए हैं हमारे एक्सपर्ट्स रिकमेंडेशन। आइए करते हैं स्वागत सभी एक्सपर्ट्स का बिगुल के साथ पिक ऑफ द डे।
पिक ऑफ द डे के तौर पर चलिए शुरुआत करते हैं ऑड मैन आउट विकास सेठी साहब से, बाकी सारे टेक्निकल और वायदा कारोबार के एक्सपर्ट्स के बीच में एकमात्र फंडा एक्सपर्ट। तो सेठी साहब बताएं आपकी पिक या फिर पिक्स ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए आज एक अलग तरह का बाजार है कि आज सुबह जब हम खुल रहे हैं तो थोड़ा कमजोर खुलने के आसार है लुकिंग एट द एसजीएक्स निफ्टी, बट वो मुझे नहीं लगता कि टिकने वाला है। बाजार में बेहद शानदार तेजी का माहौल है और जिस तरह से एफआईआईज की कंटिन्यूअस बाइंग है तो मुझे लगता है बाजार में बिल्कुल तेजी में ही रहना चाहिए। और आज अगर ये इतने वीक खुलते या इससे थोड़ी और गिरावट बढ़ती है तो डेफिनेटली खरीदारी करने का ही मौका है, बट क्वालिटी के साथ रहना है। और आज का जो मेरा पिक ऑफ द डे है वो एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की, L&T। मुझे लगता है इस स्टॉक को आज अगर कल के लेवल्स पे या गिरावट पे खुलता है तो मुझे लगता है बिल्कुल खरीदना चाहिए। 1181 के लेवल पे कल बंद हुआ है, इस पे खरीदारी करने की सलाह है। आज का टारगेट रहेगा 1210 का, स्टॉप लॉस रहेगा 1170 का। और इसके अलावा तीन स्टॉक्स और रिकमेंड करना चाहूंगा जो कि बहुत ही अच्छी कंपनियां हैं और उनमें खरीदारी करने की सलाह है। जो दूसरा स्टॉक है वो मारुति रहेगा, बिकॉज मारुति में जैसे खबरें आ रही है, अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि जनवरी से वो अपने मॉडल्स के प्राइसेस बढ़ाएंगे तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आज स्टॉक में रहना चाहिए, तो मारुति में खरीदारी करने की सलाह है। फिर इंफोसिस, जो कि मैं पिछले 2-3 दिनों से लगातार रिकमेंड कर रहा हूँ, लगातार याद भी दिला रहा हूँ कि उसको बेचना नहीं है, होल्ड करके रखना है। 1140 के लेवल पर रिकमेंड करा था, कल 1175 पे बंद हुआ। यहाँ पे भी या आज कोई गिरावट आ जाती है कोई कारण से तो खरीदारी करने की सलाह है। और फाइनली मुझे लगता है बजाज फाइनेंस में भी बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए, ये स्टॉक भी आज मुझे लगता है अच्छा करेगा, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। ओके, तो ये ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पर खरीदारी करने की राय है आपके लिए। आइए पालिया साहब से भी पूछते हैं उनका पिक ऑफ द डे। पालिया साहब नमस्कार, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। अनिल जी, आज जो स्टॉक बाय करना है वो है क्यूमिंस इंडिया। कल के सेशन में काफी अच्छी एक्शन इस स्टॉक में देखने को मिली। स्टॉक 590 के ऊपर अब क्लोज होता है होते हुए दिख रहा है। अगर सेटअप के हिसाब से देखें तो पिछले 5-6 दिन का एक करेक्टिव मूव था, उसके बाद कल वापस से एक फ्रेश बाइंग एक्शन देखने को मिली जिसमें कि स्टॉक ने पिछले 3 दिन के रेंज का ब्रेकआउट देते हुए दिखा है क्लोजिंग बेसिस पे। तो 592 के आसपास इसके फ्यूचर क्लोज हुए, इसको बाय करेंगे हम। 582 का स्टॉप लॉस रखेंगे और हमें लगता है ड्यूरिंग द डे इसमें जो टारगेट आना चाहिए वो करीब आना चाहिए करीब 605 से 610 तक के। तो क्यूमिंस इंडिया बाय करने की सलाह रहेगी पिक ऑफ द डे में। ओके, क्यूमिंस इंडिया खरीदे पिक ऑफ द डे के तौर पर 605-610 के टारगेट के लिए। सचिन जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर मुझे लग रहा है अभी ध्यान देना चाहिए गोल्ड पे और गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज पे। अगर हम गोल्ड का स्ट्रक्चर देखें तो जिस तरीके से एक 15% की डाउनसाइड देखी गई थी 56,200 के स्विंग के बाद, हाल फिलहाल में ही पिछले हफ्ते यहाँ पर एक पियर्सिंग लाइन फॉर्मेशन एस्टेब्लिश हुआ था गोल्ड पे, एंड जिस तरीके से रिवर्सल सेट हुआ है मुझे लग रहा है यहाँ पर काफी बड़ी फॉलो थ्रू एक्शन देखी जा सकती है अगले कुछ हफ्तों में, जहाँ पर लगभग 8-10% की एक पुल बैक रैली देखी जा सकती है गोल्ड में। मुझे लग रहा है यहाँ पर मुथूट फाइनेंस इस पर्टिकुलर काउंटर को आपके रेडार पे जरूर रखना चाहिए। जिस तरीके से इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है लगभग पिछले 3 दिनों से अच्छा कंसोलिडेशन नजर आया है, जिस तरीके से इसने अपना रिबाउंड दिया है ऑन द वीकली चार्ट, यहाँ पर भी एक हैमर फॉर्मेशन है जिसका कंफर्मेशन इस हफ्ते में आना चाहिए। सो मुझे लग रहा है यहाँ पर मुथूट फाइनेंस में 1250 तक की एक रैली बननी चाहिए इन द शॉर्ट टर्म। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 1175 के आसपास। आज के सत्र में अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी की ही सलाह होगी एंड 1250 एक रिव्यू जोन होगा स्टॉक के लिए। ओके, ये है आपके लिए मुथूट फाइनेंस में खरीदारी करने की राय सचिन जी की तरफ से आती हुई, बहुत ही बढ़िया। आइए वागले साहब से भी ले लें उनका पिक ऑफ द डे। वागले साहब नमस्कार, बताएं सर। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी मेरा भी बाय कॉल है क्यूमिंस इंडिया पर भी, राजेश जी ने कहा है मैं उनके साथ। कल आधे घंटे में जो ब्रेकआउट हुआ है आखिरी आधे घंटे में एक फ्लैट पैटर्न बना है, लेकिन ये मेरा कंडीशनल बाय है। अगर आज के लिए आपको उसका मोमेंटम पकड़ना है 591 का बंदर, मैं 598 के पार निकलते ही खरीदूंगा और 598 के पार निकलने के बाद मेरा 615 का टारगेट होगा और 591 का स्टॉप लॉस। ये है आपके लिए राय क्यूमिंस पर खरीदारी की राजेश जी की तरफ से भी और वागले साहब की तरफ से भी आती हुई दिख रही है। आइए बंसल जी भी तैयार हैं,
बंसल जी से पूछते हैं कौन सा स्टॉक बंसल जी ने चुना है। बंसल जी बताइए। अच्छा बंसल जी, हाँ आपका स्टॉक पहले। अच्छा राकेश जी, ओ माफ कीजिएगा, राकेश जी तो आज छुट्टी पर है भाई। जो लोग राकेश जी को देखना चाहते हैं उनके लिए बता दूं, आज राकेश जी कुछ शादी के समारोह में सम्मिलित होने गए हैं। वैसे तो कहने के लिए तो हमें रोज कहते हैं कि भाई मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूँ, ये सब है, लेकिन फैमिली में शादी है तो मना नहीं कर सकते, इसलिए आज के दिन राकेश जी छुट्टी पर है। वैसे तो देखिए सचिन जी तो क्या है, सचिन जी का तो मुझे समझ में आता है कि बहुत सारे चैनल्स में जाते हैं तो अलग अलग चैनल्स का अलग अलग ड्रेस कोड है, वो सूट पहन के जाते हैं, कोट पहन के जाते हैं, समझ में आता है। लेकिन कुणाल जी आपको तो पता है ना कि गुरुवार के दिन नो टाई नो जैकेट, आप जैकेट पहन के कैसे बैठ गए सर? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी देखिए क्या है, यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है दिल्ली में और आप मुंबई में बैठ के यहाँ पर ठंड का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं, तो इसीलिए अनिल जी मजबूरी में मैंने ये जैकेट पहनी है अनिल जी। ओ लेकिन वो जो बिल्कुल अनिल जी यहाँ पर मौसम बहुत खुशगवार है कि वो जिसमें हिमालय की वादियों में जो लोग वो कौन से इनरवियर पहन के जाते हैं, बोलते बिल्कुल एक ही इनरवियर में घूमते, वो एड सही नहीं है, कभी आपने ट्राई नहीं किया उन्हें? अनिल जी कौन सी कंपनी बनाती है अनिल जी ये प्रोडक्ट? चल देखता हूँ हमारे पास किसका ऐड आते हैं, जिसका ऐड आएगा मैं उसी को रिकमेंड कर दूंगा, लेकिन वो ट्राई करके जरूर देखिए। लेकिन तब तक बताइए आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग कुणाल जी। गुड मॉर्निंग अनिल जी, देखिए मैंने कंपनी ऐसी चुनी है अनिल जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी बदलाव, एक रेवोल्यूशन अनिल जी हो रहा है इक्विटी में और एक इक्विटी कल्चर भारत में स्थापित हो रहा है अनिल जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा ICICI सिक्योरिटीज़ जो आज मेरी पिक ऑफ द डे है। मुझे लगता है अनिल जी अब लोगों के लिए बैंक खाता भी उतना जरूरी नहीं है जितना कि उनके लिए डीमैट खाता जरूरी है, और जो भी लोग बाजार में नए आ रहे हैं अनिल जी वो पहले अपना खाता ICICI सिक्योरिटीज जैसे ब्रोकर्स के यहाँ खोलते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है इसका। अगर वीकली चार्ट आप देखें अनिल जी तो यहाँ एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, तो मेरी राय में ICICI सिक्योरिटीज को इन स्तरों पर बाय करना चाहिए। यहां पर आपको 465 रुपए पर 465 पर स्टॉप लॉस रखना है। आज का इंट्राडे टारगेट पहला 485 का, दूसरा टारगेट 490 रुपए का, और पोजिशनल टारगेट काफी अग्रेसिव है लेकिन शॉर्ट टर्म टारगेट है 485-490। और बिल्कुल जिस तरह से 4.5 गुना इनका इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का QIP में रेस्पॉन्स आया, माफ कीजिएगा ऑफर फॉर सेल में रेस्पॉन्स आया, कमाल है, गजब है। और आपने देखा 2.5 गुना ऑफर फॉर सेल भरा था किसका, केनरा बैंक का, प्राइस थी 103.50, आज वायदा कारोबार के बैंड से बाहर निकला, देखिए स्टॉक कहां पहुंच गया, सर्किट मार मार के निकला। तो जहां QIP में रेस्पॉन्स जबरदस्त आ रहा है, दो दो तीन तीन गुना चार चार गुना बुक भर रही है, उन शेयरों पर ध्यान रखिए। मैं फंडामेंटली पूछने वाला ही था सवाल ये सेठी साहब से, लेकिन उससे पहले ही कुणाल जी ने आज अपने पिक ऑफ द डे के तौर पर दे दिया, तो ICICI सिक्योरिटीज पर रखिए नजर। नजर रखिए सुमित जी पर, और सिर्फ अभी नहीं पूरे दिन भर सुमित जी का पूरा मतलब एक एक्शन पैक वक्त चल रहा है, एक के बाद एक दमदार कॉल सुमित जी की तरफ से, तो सुमित जी कर दीजिए शुरुआत आज के कॉल के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी। बिल्कुल अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी आज के दिन में मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, हो सकता है कि आज एक्सपायरी डे भी है वीकली वाला, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो पहला पिक आज का तो जो मेरे साइड मेरी तरफ से रहेगा वो सेल साइड वाला रहेगा, और कल भी हमने मेटल स्टॉक में सेल साइड वाला स्टॉक दिया था हिंडाल्को। हिंडाल्को चार्ट्स के ऊपर पिछले दो दिनों से सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है, ऐसा लग रहा है हिंडाल्को के अंदर यहां से 230 से लेके 225 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो मेटल्स के अंदर वॉच रखे, मेटल्स में क्लोजली ध्यान रखे। कुछ कुछ स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर बन रहा है जिसमें पहला मेरी नजर पे आया हिंडाल्को, 251-252 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के सेल करें, 230 से 225 के टारगेट्स के लिए हिंडाल्को में गिरावट देखने को मिल सकती है। ओके चलिए सुमित जी ने थोड़ी कमजोरी की शुरुआत भी की, कल ही क्लोजिंग वाले शो में हिंडाल्को आपने शॉर्ट दिया भी है, आज बाजार के बदले मूड के साथ आपके शॉर्ट के टारगेट, लॉन्ग के टारगेट तो इस मार्केट में आपके भी आ रहे हैं, सबके भी आ रहे हैं, दूसरों के भी आ रहे हैं, लेकिन शॉर्ट करके भी टारगेट लाने की काबिलियत और कमाल सुमित जी का है जो आज आपको दिखेगा। हिंडाल्को का फ्यूचर्स बेचे 252-251 के स्टॉप लॉस के साथ। विश्वेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्वेश जी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे।
गुड मॉर्निंग अनिल जी, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे तो खुल रहा है, लेकिन कल के दिन में जो एक इंटरेस्टिंग चीज हुई थी वो थी 13,500 के पुट ऑप्शन में जिस हिसाब से राइटिंग हुई थी। और अगर मैं डेटा शेयर करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आज का जो पुट कॉल रेशियो है वो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट 1.73 निफ्टी का पुट कॉल रेशियो इज इंडिकेटिंग कि मार्केट पे लोअर लेवल पे डेफिनेटली बाइंग हो सकती है। तो मेरी ओर से अनिल जी आज खरीदारी की राय है, और खरीदारी की राय है अगर थोड़ा सा नीचे खुलता है तो मुझे यहाँ लगता है कि बैंकिंग खरीदना चाहिए, आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक अगर थोड़ा सा नीचे खुलता है 508 510 की रेंज में मेरे हिसाब से खरीदना चाहिए, 505 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आईसीआईसीआई बैंक 518 तक जा सकता है। ओके 511 के आसपास है आईसीआईसीआई बैंक, 505 का लगाइएगा स्टॉप लॉस, और यहां पर खरीदारी करने की राय है आपके लिए। ये मजबूत रहेगा तो बैंक निफ्टी ज्यादा नहीं गिरेगा। लेकिन अगर बदली है आपने विश्वेश जी, तो आपकी बदली हुई हेयर स्टाइल बड़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी दिख रही है, बिल्कुल अलग तरीके की, देखकर बड़ा मजा आया। लेकिन हाँ एक चीज बदलने से याद आया, सचिन जी आप भी कुछ बदले बदले नजर आ रहे थे 10-15 मिनट पहले, कुछ अलग दिख रहे थे, अभी कुछ क्या बदला है सचिन जी? जनिल जी यूजुअली मैं सोमवार और शुक्रवार को ही होता हूँ, आज थर्सडे फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ एंड मैं अवेयर नहीं था, मैंने सूट पहन लिया था, टीम के साथ ब्लेंड हो चुका हूँ अभी। क्या बात है, लेकिन लेकिन मजा तो तब आएगा जब इस कड़ाके की सर्दी में विश्व अपना कुणाल जी शर्ट में बैठे, उसका मजा अलग ही होगा। देखते हैं कुणाल जी हमारे पर ज्यादा भरोसा करते हैं या ठंड पर, थोड़ी देर में पता चलेगा। हमने उनको धर्म संकट में तो डाल दिया है कुणाल जी को, अब देखते हैं कुणाल जी के ऊपर है क्या करना है क्या नहीं करना है। आइए इस बीच एक और स्टॉक है जिस पर फोकस करिए, और वही IRCTC। इसका ऑफर फॉर सेल आज खुल रहा है बड़े निवेशकों के लिए, रिटेल के लिए कल होगा। सेठी साहब ये बताएं कि क्या इसमें पैसा लगाना है या एक बार आज देख लें कि बड़े इन्वेस्टर्स का कितना इंटरेस्ट आता है, उसके बाद कल डिसाइड करेंगे क्या करना चाहिए? देखिए अनिल जी, जो OFS का जो प्राइस है वो तो एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे है करंट मार्केट प्राइस से 16-17%, और उन लेवल्स पे ये स्टॉक अच्छा लगता है। और वैसे भी अगर आपको याद हो तो पिछले 2-4 दिन पहले से मैं रेलवे स्टॉक्स पे भी ऑलरेडी थोड़ा बुलिश हूँ, और मैंने राइट्स और इरकॉन जैसे स्टॉक्स को रिकमेंड भी करा हुआ है। मुझे लगता है यहाँ से जिस तरह से नॉर्मलसी वापस से आ रही है, और फिर एक हम यूनियन बजट से ज्यादा दूर नहीं है जिसपे आमतौर पर रेलवे जो रहता है वो सेक्टर भी फोकस में रहता है, तो मुझे लगता है IRCTC अगर ये जो 1367 के लेवल पे जो OFS आ रहा है वो लेवल्स तो बिल्कुल अप्लाई करने के हैं। तो कल जब रिटेल निवेशकों के लिए ये OFS खुलेगा तो मेरी तो राय रहेगी कि उन लेवल्स पे इसमें अप्लाई करना चाहिए। बाकी आज क्योंकि ये 16% डिस्काउंट पे स्टॉक OFS आ रहा है तो स्टॉक पे थोड़ा प्रेशर रहेगा, तो सेकेंडरी मार्केट पे तो खरीदारी करने की सलाह नहीं है अभी, बट OFS पे डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए।